नमस्ते बच्चों, कैसे हो। अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम का पूरा समरी। इस वीडियो में मैं आपको एनिमल किंगडम के मोस्ट ऑफ द फाइलम्स के आपको निमोनिक बताऊंगा जो मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाए हैं, और लास्ट का जो टेबल चार्ट है उसको कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा। वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उससे आपका पूरा एनिमल किंगडम रिवाइज हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे उस चार्ट में कुछ कुछ चीजें ऐड करनी है, तो अपने एनसीईआरटी में जरूर ऐड करिएगा। यार मैं स्लाइड अच्छे नहीं बनाता हूँ बिकॉज मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और साइज बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन कंटेंट इसका इतना अच्छा है मुझे नहीं लगता आपको स्लाइड से कुछ फर्क पड़ता है। बिकॉज अगर आप पढ़ने में रियली इंटरेस्टेड हो तो स्लाइड ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले पोरीफेरा में आ जाते हैं। उसका निमोनिक था पोर्स ऑल योर स्लाइड्स। ठीक है, तो पोर इज फॉर पोरीफेरा, ऑल इज फॉर स्पॉन्जिला, योर इज फॉर यूस्पॉन्जिया, साइड्स इज फॉर साइकॉन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में फिजिक्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में एडम और जॉर्ज ने पेन हाइड किया। फिजिक्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में एडम और जॉर्ज ने पेन हाइड किया। फिजिक्स इज फॉर साइला, ऑब्जेक्टिव इज फॉर ओबेलिया, मे इज फॉर मियंड्रिना, एडम इज फॉर एडामसिया, और इज फॉर ऑरेलिया, जॉर्ज इज फॉर गॉर्गोनिया, ने इज फॉर नाइटेरिया, पेन इज फॉर पिनाट्यूला, हाइड इज फॉर हाइड्रा। तीसरा था आपका प्लैटीहेलमिंथेस। मैंने उससे पहले वाला फाइलम जो था टीनोफोरा उसको मिस कर दिया बिकॉज उसमें दो ही एग्जाम्पल्स थे, बहुत सिंपल सिंपल। तो अब टीनो प्लैटीहेलमिंथेस में आ जाता है। टीनो की प्लानिंग फेल हुई है। तो टीनो की प्लानिंग इज फॉर टीनो इज फॉर टीनिया, प्लानिंग इज फॉर प्लेनेरिया, फेल इज फॉर फेसियोला। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आ जाता हूँ एस्कहेलमिंथेस में। तो हेरा फेरी का टाइम नहीं था। हेरा इज फॉर हाइरूडिनेरिया, फेरी इज फॉर फेरिटेमा, नेही इज फॉर नेरिस। आर्थ्रोपोडा बहुत सिंपल है, मैंने ये निमोनिक खुद से बनाया है। आप बॉम्ब लगाओगे और कल आएंगे किंग लिमू और लोको। आप बॉम्ब लगाओगे और कल आएंगे किंग लिमू और लोको। कल का स्पेलिंग CUL है, KUL नहीं है। तो आप इसको एपिस, बॉम्ब इस फॉर बॉम्बिक्स, लगाओ इस फॉर लैसिफर, और इस फॉर एनोफिलीज, कल इस फॉर क्यूलेक्स, आएंगे इस फॉर एडीज, किंग लिमू इस फॉर लाइम्यूलस, एंड लोको इस फॉर लोकस। तो आप बॉम्ब लगाओगे और कल आएंगे किंग लिमो और लोको। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो यार, एक बार पॉज करके लिख लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। बोल इसलिए रहा हूँ कि बोलने से आपको याद आ जाता है। फिर आ जाते हैं मोलस्क के बारे में। ठीक है, मोलस्क में क्या बोलूंगा कि फिर से ऑक्टोपस देखेंगे, आप पहले चाय पी लो। मैं किसी बच्चे को बोल रहा हूँ कि फिर से ऑक्टोपस देखेंगे, आप पहले चाय पी लो। तो फिर इस फॉर पिनेक्टिडा, से इस फॉर सीपिया, ऑक्टोपस इस फॉर ऑक्टोपस, देखेंगे इस फॉर डेंटेलियम, आप इस फॉर अप्लाइसिया, चाय इस फॉर केटोप्यूरा, पे इस फॉर पीलिया, लो इस फॉर लोलिगो। पिनेक्टिडा, सीपिया, ऑक्टोपस, डेंटेलियम, अप्लाइसिया, केटोप्यूरा, पाइला, लोलिगो। ऑफिस में आंटी आस्ट फॉर एक क्यूक्यूम्बर। आप समझ ही गए होंगे ये किसका है, ये है आपको इकाइनोडर्माटा का। तो ऑफिस फॉर ओफाइन्यूरा, ओफाइन्यूरा, या मैं कभी भी ये ढंग से नहीं बोल पाता हूँ, सॉरी। आंटी इज फॉर एंटीडॉन और आस्ट इज फॉर एस्टेरियस। ठीक है, ठीक है। तो ऑफिस में आंटी आस्ट फॉर एक क्यूक्यूम्बर। क्यूक्यूम्बर आपको पता है क्यूक्यूमेरिया था। ठीक है, एक इज फॉर एकाइनस। मैं ये दो शायद से लिख नहीं पाया यार, भूल गया था पिछले वाले में, भूल गया था, तो लिख लीजिएगा। क्यूक्यूम्बर, क्यूक्यूमेरिया इज फॉर क्यूक्यूम्बर, सी क्यूक्यूम्बर, और एक इज फॉर एकाइनस। ठीक है, सी अर्चिन। अब आ जाते हैं कॉर्डाटा, जिसके निमोनिक्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद मुझे कॉर्डाटा के निमोनिक्स मिले हैं। तो इसको देखते हैं। यूरो कॉर्डाटा का क्या है? यू आर सैट, यू आर इज फॉर यूरो कॉर्डाटा, सैट्स का एस इज फॉर स्कैल्पा, ए इज फॉर एस्किडिया, डी इज फॉर डोलियोलो। ठीक है, अब आ जाते हैं सिफेलो कॉर्डाटा में। सिफेलो कॉर्डाटा का है लैब्रा। सब एक ही चीज के नाम है लेकिन बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए तीन अलग अलग नाम से याद करेगा। जो भी आया है एग्जाम में उसको सिफेलोकॉर्डाटा समझ जाइएगा। एल इज फॉर लैंसलेट, ए इज फॉर एम्फियोक्सिस, ब्रा इज फॉर ब्रैंकियोस्टोमा। चंपू पिस्टिस वाज स्कोल्डेड फॉर ट्राई गोइंग इन टोर्नाडो बाय कार। तो चंपू क्या है? चंपू इज फॉर कॉन्ड्रिक्टिस, पिस्टिस इज फॉर पिस्टिस, स्कोल्डेड इज फॉर स्कोलियोडॉन, ट्राई इज फॉर ट्राइगॉन, टोर्नाडो इज फॉर टोरपीडो, कार इज फॉर कारकारोडॉन। ये सारे आप समझ ही गए होंगे किसके हैं, कॉन्ड्रिक्टिस के एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है चंपू फॉर कॉन्ड्रिक्टिस, तो लिखने का जरूरत नहीं था। अब आ जाते हैं कौन से का, ऑस्टिक्थीस का। बहुत सारे एग्जाम्पल याद भी नहीं होते कौन सा मरीन है कौन सा उसे, तो मैंने खुद बहुत सोच के कहीं से निकाल के बनाया है ये।
तो याद रखिएगा, मेरा एग्जाम है फिर लंबा क्लास काटना और बैटिंग ट्रायल्स। यार मेरा क्लास है, मतलब मेरा एग्जाम है, उसके बाद मुझे लंबी क्लास लेनी है, उसके बाद बैटिंग की ट्रायल्स भी है। मैं शायद से बैटिंग टीम में जाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे ट्रायल्स भी देने हैं। तो यार इसका निमोनिक बहुत अजीब सा मिल रहा था ऑनलाइन, लेकिन मैंने इसको मॉडिफाई करके बनाया है। तो मेरा इस फॉर मरीन, एग्जाम इस फॉर एक्सोसीटस, है इस फॉर हिपोकैम्पस, फिर इस फॉर फ्रेश वाटर, लंबा इस फॉर लेबो, क्लास इस फॉर क्लेरिस, ठीक है, काटना इस फॉर कतला, और इस फॉर एक्वेरियम, बैटिंग इज बेटा, ट्रायल्स इज टेरोफाइलम। मेरा एग्जाम है फिर लंबा क्लास काटना और बैटिंग ट्रायल्स, ठीक है, मेरा एग्जाम है फिर लंबा क्लास काटना और बैटिंग ट्रायल्स। तो याद हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है लेकिन बहुत घुमाते हैं यार, जब एमसीक्यूज में आते हैं ना बहुत घुमाते हैं एग्जाम्पल्स, तो याद कर लीजिएगा। सेकेंड लास्ट जो याद करने की जरूरत है वो है आपके रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल। चाची अली का कल टेस्ट है, एक इसको ऐसे याद रखेगा, दूसरा नाजा बंगाली वाइपर, ठीक है। तो एक तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हैं, चाची अली का कल टेस्ट है, और हम लोग चाची को बंगाली वाइपर भी बोलते हैं, ठीक है, कोई नो ऑफेंस किसी को भी, बस एक याद करने का तरीका है कि चाची अली का कल टेस्ट है, मत जाओ कहीं पर भी, ना जा बंगाली वाइपर, ठीक है। तो चा इज फॉर कमीलियन, ची इज फॉर क्लियॉन, अली इज फॉर एलिगेटर, का इज फॉर क्रोकोडाइलस, काल इज फॉर क्लियोस, टेस्ट इज फॉर टेस्ट्यूडो, है इज फॉर हेमिडेक्टाइलस, नाजा इज फॉर कोबरा, बंगाली इज फॉर बेंगारस, वाइपर इज फॉर वाइपरा। तो सारा याद हो जाएगा आपको, नाजा 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 इज फॉर नाजा, कोबरा तो कोबरा। तो याद हो गया यार, बहुत सिंपल सा निमोनिक है, चाची अली का कल टेस्ट है और उसको बोलते हैं फिर मत जा बंगाली वाइपर, ना जा बंगाली वाइपर। लास्ट एवीज का एग्जाम्पल, ये तो याद हो जाते हैं यार, इसलिए मैं इसके मेनली आपको जो साइंटिफिक नाम है उसको याद करवा रहा हूँ। न्यू पैक एंड प्राइस ऑफ कोको कोला शेक, न्यू इज फॉर न्यूफ्रॉन, पैक इज फॉर पावो, प्राइस इज फॉर पिसिटाक्यूला, कोको इज फॉर कोरोना वायरस, मतलब कॉर्वस, दिमाग में बस कोरोना वायरस चलता है, कोको इज फॉर कॉर्वस, कोला इज फॉर कोलम्बा, शेक इज फॉर श्रुतियो। आई होप तुम लोग सब सेफ हो यार, घर में किसी को बीमारी नहीं हुई, लेकिन याद रखिएगा, न्यू पैक एंड प्राइस ऑफ कोको कोला शेक, न्यू इज फॉर न्यूफ्रॉन, पैक इज फॉर पैगो, प्राइस इज फॉर पिसिटाक्यूला, कोको इज फॉर कॉर्वस, कोला इज फॉर कोलम्बा, एंड शेक इज फॉर श्रुतियो, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं मेन चार्ट के बारे में, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये जो पिक्चर है, ये मेरी खुद की एनसीईआरटी का पिक्चर है, अगर हैंडराइटिंग समझ में आ रही है तो लिख लो, नहीं समझ आ रही है तो तुम लोग खुद ही कुछ कर लो, मेरे को भी आधी चीजें समझ में नहीं आ रही बिकॉज मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो समझा देता हूँ। तो तुम लोग इसमें एक सेकंड रुको, ये देखो, ये जो तुम्हारा डॉट है ना, ये डॉट जो वो है, ये स्टैंड होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जो एस्ट्रिक्स है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए। तो आपने पैराग्राफ में देखा होगा बहुत जगह इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, बहुत जगह एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, तो अपने चार्ट में ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का को ना हम लोग साइजोसिलोम भी बोलते हैं, और प्लैटीहेलमिंथस से मोलस्का को हम लोग प्रोटोस्टोम भी बोलते हैं, ठीक है। साइजोसिलोमेट और प्रोटोस्टोम, ये दो वर्ड्स याद करने जो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं आपके कोचिंग के टेस्ट में, इसलिए मैं लिख के रख रखा हूँ, ठीक है। अब जो थोड़े थोड़े फैक्ट्स है मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, जिसे आप अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि सेगमेंटेशन है जो एनेलिडा से स्टार्ट होता है, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा और कॉर्डाटा में होता है, ये याद रखने की चीज है, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम है जो एस्केल्मेंथिस से स्टार्ट हो जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम आपका एनेलिडा से स्टार्ट हो जाता है, और आर्थ्रोपोडा आपका स्टार्ट हो जाता है रेस्पायरेटरी सिस्टम से। तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है ये ऐसे ऐसे वाला ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे वाला ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको इस अब इसमें ये भी देखिएगा कि कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज है। तो अब हम लोग बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट एनेलिडा में और आपका कॉर्डाटा में क्लोज है, बाकी सब जगह ओपन है जहाँ प्रेजेंट है। तो मतलब आपको सोचना है कि एनालिडा से स्टार्ट हो रहा है कॉर्डाटा तक खत्म हो रहा है, एनालिडा और कॉर्डाटा फर्स्ट और लास्ट मेंबर में आपका क्लोज है, बीच के सारे मेंबर्स में ओपन है, ये याद रखने की चीज है, ठीक है। ये सारे सीक्वेंस आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अब थोड़ा बहुत चीजें जो मैंने लिख रखा है जो पैराग्राफ से लिए हैं, ठीक है। तो पॉरीफेरा इज जनरली मरीन, नाइटेरिया मोस्टली मरीन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं पूरा बोलूंगा नहीं,
बस रटने की तरीका है, कभी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ये वाला जो कॉलम है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बिकॉज कभी मैंने देखा नहीं है एमसीक्यू, लेकिन कभी अगर एम्स का पेपर भी इस बार साथ में हो रहा है तो कौन जाने ये लोग पूछ ले, इनका दिमाग बहुत खराब है यार। अब फॉर्म कौन सा फॉर्म है, हर्माफ्रोडाइट में है या फिर डायोशियस में है, तो उसका याद रखना जरूरी है। बहुत चीजों में लिखा हुआ नहीं है तो छोड़ दो, जिसमें नहीं लिखा हुआ, जिसमें लिखा हुआ है उसको याद करो। तो अब मैंने लिखा कि पोरीफेरा में हर्माफोरोडाइट लिखा हुआ था, मैंने लिख दिया। टीनोफोरा में हर्माफोरोडाइट, प्लैटिहेलमिंथस में हर्माफोरोडाइट, फिर एस्कहेलमिंथस में डायोशियस, ठीक है, मेल एंड फीमेल, ठीक है, फीमेल लॉन्गर देन मेल, ठीक है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये छोटा सा जो है ना, फीमेल लॉन्गर देन मेल लिखा हुआ है, लॉन्ग देन मेल, ठीक है। छोटा सा यार स्पेस ही कमी थी, मैंने जब बना लिया बना लिया, उसके बाद मुझे याद नहीं रहा कि इतना कुछ लिखना है। एनेलिडा नेरिस डायोशियस अथवा मोनोशियस, मतलब दोनों हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 2019 में भी आया था कि नेरिस डायोशियस है अथवा मोनोशियस है। मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए देख लीजिएगा मेरे पुराने वीडियोस, बहुत हेल्पफुल है। ऐसे बहुत सारे नोट्स है उसमें, ठीक है, प्लेलिस्ट आपको आखिर में दिख जाएगी, प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। अगर आपने वो सारे वीडियोस देख लिए हैं तो यहाँ से स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा मोस्टली डायोशियस, ठीक है, उसके अंदर मोलस्का डायोशियस। मैंने कॉर्डाटा के नहीं लिखे हैं, कॉर्डाटा के अलग अलग ही यार, कॉर्डाटा को ज्यादा याद कर जा नहीं सकता। बस कॉन्डिक्टिस और ऑस्टिक्टिस का जब मैंने क्लास लिया था उसी में मैंने उन दोनों के बीच के डिफरेंसेस भी समझा दिए थे, तो उसको याद कर लीजिएगा दोनों के बीच के डिफरेंसेस को। कॉन्डिक्टिस और ऑस्टिक्टिस बहुत कॉन्ट्रेरी डिफरेंसेस है, तो आपको याद होने में भी सिंपल हो जाएंगे, ठीक है। अब गेमीट के बारे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हो जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, पॉरीफेरा गेमीट्स के थ्रू होता है, नाइडेरिया मेड्यूसे टू पॉलिप्स क्या होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट, एनसीईआरटी लाइन है। टीनोफोरा ओनली सेक्सुअल, फिर यहाँ पर प्लैटिहेलमिंथस और एस्कहेलमिंथस के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी में, तो मैंने नहीं लिखा। एनलिडा ओनली सेक्सुअल, आर्थ्रोपोडा ओविपैरस, मोलस्का ओविपैरस एंड एकाइनोडर्माटा ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये सारे लिख लीजिएगा एनसीईआरटी का वो है। एसेक्सुअल पहला और दूसरा के बारे में बस लिखा हुआ है, तो और होता भी पहले और दूसरे में ही है, बाकी सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। प्लैटिहेलमिंथस में वो भी होता है, क्या होता है, आपका प्लेनेरिया डिवाइड हो जाता है, राइट। तो पॉरीफेरा हो जाता है फ्रैगमेंटेशन, नाइडेरिया पॉलिप टू मेड्यूसा इज एसेक्सुअल। अब डेवलपमेंट याद रखना यार, कौन सा में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कौन सा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और कौन सा में दोनों होता है, तो मेनली सारे इनडायरेक्ट ही है, बस दो में याद रखना, एस्कहेलमिंथस और आर्थ्रोपोडा में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों लिखा है, बाकी सब में आपको अगर पूछा जाए तो इनडायरेक्ट ही लिख देना यहाँ पर, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए एनसीईआरटी स्टिक टू एनसीईआरटी यार, बहुत कुछ एनिमल के नाम बहुत वास्ट है। अगर आपको बीएससी करनी है जुआलॉजी में करनी है तब एक्स्ट्रा पढ़ना जितना आकाश और एन में पढ़ाते हैं, नहीं तो मैं जितना पढ़ाया ना उतने में मेरे को AR17 मिल गया है। मैंने एक वर्ड पहले यूनिट से एक और दूसरा पहला और दूसरा यूनिट एक वर्ड एनसीईआरटी के बाहर नहीं पढ़ा हूँ, कसम खा रहा हूँ मैं, जितना एनसीईआरटी में है उतना है, थोड़ा बहुत नॉलेज निमोनिक्स हो जाता है, वो कभी काम नहीं आया क्योंकि कभी याद नहीं रहता था, मतलब निमोनिक्स बोल रहा हूँ सॉरी, टेस्ट से हो जाता था, लेकिन बिल्कुल भी काम नहीं आता था यार। जितना इतना भी याद कर लो ना बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बहुत हेल्पफुल भी होता है। तो कॉन्डिक्ट अब मैंने थोड़ा सा आपको उसके लिए बना दिया है, कॉर्डाटा वाले के लिए, ये मैंने खुद से बैठ के बनाया, ये पहले तो मेरे को दिमाग में नहीं आया था, अभी सोच के बना दिया। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल किसमें होती है, बाकी सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है एक्सेप्ट ऑस्टिक्थिस एंड एम्फीबियन, याद रखना ऑस्टिक्थिस और एम्फीबियन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। और अब डेवलपमेंट याद करना, वीवी पैरस डेवलपमेंट मतलब जो हम लोग डायरेक्ट रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, बाकी सब में ओवी पैरस होता है, सॉरी यहाँ पर वीवी पैरस होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बस एम्फीबियन में होती है, एनसीईआरटी में याद रखना, ये बहुत कॉमन चीज है जो पूछा जा सकता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और सारे उसके एग्जांपल दे दे, कॉर्डाटा के एग्जांपल दे दे, तो याद रखना एम्फीबियन में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, बाकी सब में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और विवीपैरस कॉन्डिक्टिस और मैमल्स होते हैं, यार ओविपैरस गलती से लिख दिया सॉरी, ठीक है। गाइज इसमें मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ ज्यादा है नहीं पढ़ाने को, तो ये सब याद कर लेना। मेरे को पता है हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, लेकिन प्लीज पार्डन मी फॉर एवरीथिंग। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी कर लेना, टेली नीट, आपको इसका जो लिंक है वो आपको मेरे उसमें मिल जाएगा समर डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम में मैं मोस्टली सबको रिप्लाई करता हूँ यार, अभी लॉकडाउन में खाली बैठा हूँ तो सबको रिप्लाई कर रहा हूँ,
यूट्यूब चैनल तो आप यूट्यूब देख ही रहे हो, रिदम अग्रवाल, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाने के प्लान में, बहुत सारे टॉपर्स के साथ अभी बातें चल रही है मैं कि मैं उनके साथ वीडियोस बनाऊंगा। यार हमारे भी एग्जाम्स रख दिए हैं, इन वालों ने सबको प्रमोट कर दिया, लेकिन मेडिकल के बच्चों को प्रमोट नहीं करेंगे। सोच के आ रहे हो ना तुम लोग मेडिकल में, हम लोग तो पछता रहे हैं। देखो सोच लो, मैं तो पछता रहा हूँ, बता रहा हूँ यार, सबको प्रमोट कर दिया, हमें प्रमोट नहीं किया, तो मतलब इसलिए अब हम लोग की थोड़ी सी मर रखी है, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। तभी भी मैं टाइम निकाल के, देखो रिदम अग्रवाल ऑफिशियल में मेरे को आप जितने भी मैसेजेस आते हैं मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, एक भी पेंडिंग नहीं है। कम से कम एक टाइम, एक दिन में 10 से 15 आ जाते हैं यार, रात को 1 घंटा लगता है, मुश्किल से आधा घंटा लगता है, मैं सबको रिप्लाई कर देता हूँ, बिकॉज हेल्प सबको चाहिए होती है, मुझे पता है। ठीक है, तो रिदम अग्रवाल ऑफिशियल में मुझे बात कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल टेलीनेट है, ये मेरा और अपूर राघव जो AR9 है जिपमर, AR72 है एम्स, मतलब बचपन से टॉपर है बंदा, उसके साथ मैंने बना रखे हैं, तो आपको बहुत सारी लिंक्स, मैं अनअकैडमी में भी पढ़ाता हूँ तो उसके भी लिंक्स मिलते रहेंगे, तो आप टेलीनीट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्ट आपको जो लिंक है वो मिल जाएगा, और यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही है, सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस देते रहूंगा। हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है वीडियोस बनाने में, बिकॉज मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं बन रहा, डॉक्टर बन रहा हूँ, आपको हेल्प करने के लिए बनाऊँ, इसलिए जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं बैठ के वेब सीरीज नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम नहीं देखता, तुम्हारे लिए मैं स्लाइड्स बनाता हूँ, PPT बनाता हूँ, कुछ सोच के बना देता हूँ, इसलिए पढ़ लेना यार, और बाकी वीडियोस भी देख लेना, शेयर भी कर देना यार, बिकॉज इस एनिमल किंगडम के वीडियोस में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं बाकी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, इज्जत की बात है यार। सो 200-300 व्यूज देख के मैं नहीं बैठा, देख लो सही बता रहा हूँ, मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ, 200-300 व्यूज मतलब मेरे को बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं मिलेगी, मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, बाकी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, धीरे धीरे और भी बाकी वीडियोस भी अपलोड करूंगा, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, कंटेंट हमेशा की तरह अच्छा रहेगा, कमर्शलाइज में अभी बिल्कुल भी नहीं करने के प्लान में हूँ चैनल को। ठीक है, तो देखते रहिएगा, थैंक यू।